फिल्मी फ्लिक्स प्रेजेंटिंग सेंटीग्रेड। यह एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 से, जहां पर एक एसयूवी के अंदर एक लड़की को उठते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम नियोमी है। उसके साथ उसका हस्बैंड मैथ्यू भी है। नियोमी देखती है कि उसकी गाड़ी के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। वो बर्फ को हटाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। और अब मैथ्यू भी उठ चुका है। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है और ना ही इनके मोबाइल में कोई सिग्नल है जिसकी मदद से वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला लें। और ना ही अब दरवाजे खुल रहे हैं क्योंकि इनकी कार बर्फ के नीचे दफन हो गई है। दरअसल पिछली रात ये इसी कार से अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तभी बर्फीले तूफान के शुरू होने की वजह से मैथ्यू ने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया और ये दोनों रात में उसी गाड़ी में सो जाते हैं। जब ये उठते हैं तो उनकी गाड़ी बर्फ के नीचे दब गई होती है। इन्हें ये भी पता नहीं होता कि बाहर तूफान थम गया है या अभी भी चल रहा है। साथ ही नियोमी जो कि प्रेग्नेंट रहती है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है। पर इनको पूरा यकीन होता है कि जल्द ही कोई रूट से गुजरेगा जो इनकी गाड़ी को देख लेगा, जिससे इनकी जान बच जाएगी। पर इन्हें यह नहीं पता होता कि बाहर रोड पूरी तरह से बर्फ में ढक चुका है, साथ ही तूफान भी लगातार चल रहा है। इनके पास कुछ खाने का सामान होता है जिसे छोटी छोटी मील्स में डिवाइड कर लेते हैं और ध्यान रखते हैं कि कम से कम खाएं, जिससे इनका खाना ज्यादा से ज्यादा समय तक चल सके। जब ये दोनों अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके पास दोबारा दिन का खाना है, साथ ही दो पानी की बोतलें। हालांकि नियोमी चाहती कि वे दोनों बाहर निकल जाएं, पर मैथ्यू ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसे नहीं पता होता कि बाहर हालत कैसे है। अगर ये गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकल भी गए और अगर आगे का रास्ता तूफान की वजह से नहीं बचा तो ठंड से इन दोनों की मृत्यु हो सकती है। और मैथ्यू ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। इसी तरह इन दोनों को गाड़ी के अंदर पूरे 3 दिन बीत जाते हैं पर आसपास से कोई भी नहीं गुजरता। हालांकि इनके पास खाना पानी और एक कैंडल होती है जिसके सहारे इनके 3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। परंतु नियोमी अभी भी मैथ्यू से सहमत नहीं होती। वो गाड़ी में रुकना नहीं चाहती, वो गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकलना चाहती है। पर मैथ्यू की वजह से वो भी अब गाड़ी में है क्योंकि मैथ्यू उसे लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसी वजह से इन दोनों में इस बात को लेकर कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। और अब मैथ्यू कम खाना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी को ज्यादा खाना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। मैथ्यू आगे की सीट पर सो रहा होता है। नियोमी यहाँ पर कुछ न कुछ लिखती रहती है, तभी उसे प्यास लगती है इसलिए वो पानी की बोतल से पानी पीकर उसके ढक्कन को अच्छी तरह से बंद नहीं करती है और आगे रख देती है। और तभी मैथ्यू का हाथ बोतल से लगता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और बहुत सारा पानी फैल जाता है। इस पर मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि पानी उसके लिए बहुत कीमती है, इसलिए वो नियोमी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। पर कुछ ही देर बाद वो नियोमी से माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी पत्नी है, वो उससे प्यार करता है और यह भी जानता है कि उसे इस वक्त केयर की जरूरत है। अब कुछ देर तक इसी तरह घुमसुप बैठने के बाद इन्हें अपनी कार की छत पर किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, जिससे इनके दिल में एक उम्मीद जागने लगती है। ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं पर इनकी आवाज से वो कदमों की आवाज इनसे दूर जाना शुरू हो जाती है, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई जानवर था जो कि इनकी आवाज सुनकर यहाँ से भाग गया। इनके अंदर जो उम्मीद जागी होती है वो अब पूरी तरह से टूट जाती है। मैथ्यू के पास जो कैंडल होती है वो उसे जलाता है और साइड विंडो की बर्फ को पिघलाना शुरू कर देता है ताकि इनके पास पीने का पानी इकट्ठा हो जाए। वो यह भी सोच रहा होता है कि जब इनका खाना खत्म हो जाएगा तो वे बर्फ खा सकते हैं। और अब जब वो साइड की बर्फ को पिघलाता है तो थोड़ी सी विंडो खुल जाती है जिससे उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं पीछे नियोमी को दिखाया जाता है जो कि अपने मोबाइल के साथ खेल रही होती है और तभी उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है जिससे उसकी बैटरी बाहर निकल आती है। वो जल्दी अपने मोबाइल को उठाकर उसकी बैटरी को फिक्स करती है और मोबाइल को ऑन करती है। मोबाइल ऑन हो जाता है और अब साथ में कवरेज भी आ चुका है, इसका मतलब ये है कि अब किसी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो अपने पिता को फोन करती है और बताती है कि हम बर्फ में कहीं फंस चुके हैं, हमें मदद की जरूरत है, मुझे अपनी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। और तभी उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है क्योंकि बैटरी अब पूरी तरह से डेड हो चुकी है। मैथ्यू गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं दिया, मैं उन्हें लोकेशन के बारे में बता सकता था। पर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि फोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है। 2 दिन और बीत जाते हैं। नियोमी मैथ्यू को कहती है कि तुम थोड़ा सा खाना खा लो, पर वो कम से कम खाता है ताकि नियोमी को ज्यादा से ज्यादा खाना मिल पाए। नियोमी कहती है कि हमें गाड़ी के शीशे को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, पर मैथ्यू उसे फिर कहता है कि हमें ऐसा करना ठीक नहीं होगा, बाहर हो सकता है कि तूफान चल रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो और इस हालत में तुम बाहर 2 कदम भी नहीं चल पाओगी। नियोमी को मैथ्यू की बात माननी पड़ती है। और अब कुछ दिन और बीत जाते हैं, इन्हें गाड़ी में अब पूरे 11 दिन बीत चुके हैं। नियोमी पूरी तरह से टूट चुकी है। वो मैथ्यू से कहती है कि मैं अपनी आखिरी चिट्ठी लिखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने लोगों को आखिरी अलविदा कह सकूं।
इस बात से मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हम दोनों यहाँ से बच के बाहर जरूर निकलेंगे, और तभी इन्हें एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल बाहर बर्फ हटाने वाली गाड़ी आ चुकी होती है। ये बहुत आवाज़ लगाते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं होता। गाड़ी में बैठे ड्राइवर इनकी आवाज़ सुन नहीं पाता है और जल्दी यहाँ से निकल जाता है। इससे मैथ्यू का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है, पर नियोमी उसे संभालती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज इन्हें पूरे 15 दिन हो चुके होते हैं। इनका खाना अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ना ही इनके पास पीने के लिए पानी है। और मैथ्यू ने जो गाड़ी की विंडो को पानी के लिए थोड़ा सा खोला था, वहां से वो बर्फ को पिघलाकर पानी बना लेता है। रात को दिखाया जाता है कि जहां पर नियोमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे वो अपना कंट्रोल खो देती है और गाड़ी की सीट के हेडरेस्ट को निकालकर इसे तोड़ने की कोशिश करती है। और तभी मैथ्यू उठ जाता है और कहता है कि तुम्हें शांत रहना होगा क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है। पर इन दोनों को नहीं पता होता कि डिलीवरी कैसे की जाती है। मैथ्यू नियोमी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा, हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। और इसके बाद नियोमी अपने हस्बैंड मैथ्यू की मदद से उसी गाड़ी में एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक बेबी गर्ल है। इस बच्चे का नाम ये ओलिविया रखते हैं क्योंकि ओलिविया में लिव आता है। और मैथ्यू को पूरा यकीन है कि ये सब के सब जिंदा जरूर बचेंगे। नियोमी ने हेडरेस्ट से इस गाड़ी के साइड के शीशे को तोड़ दिया होता है, जिससे अब गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने लगती है। इन्हें आज इस गाड़ी में पूरे 20 दिन हो चुके हैं। इनका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये अब बर्फ ही खाते हैं। साथ ही यहाँ ठंड बढ़ने की वजह से मैथ्यू अपनी जैकेट उतारकर अपनी बेटी को कवर कर देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन अब मैथ्यू का शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है। दरअसल उसे फीवर हो गया है और अब वो फीवर के साथ ही सो जाता है। अगली सुबह जब नियोमी उठती है तो वो देखती है कि मैथ्यू अभी तक सो रहा है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है पर मैथ्यू अब नहीं उठता क्योंकि मैथ्यू की मृत्यु हो चुकी है। नियोमी मैथ्यू की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाती है। वो दर्द से कराह उठती है, उसे नहीं पता कि उसे अब क्या करना है। उसके पास उसकी अपनी बेटी है जिसके लिए उसे जीना होगा, पर उसे जीने के लिए खाने की जरूरत है। पर खाना अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो अपनी डायरी तक खा चुकी है। उसे आज इस गाड़ी में पूरे 24 दिन हो गए हैं। उसके पास उसके पति की बॉडी भी होती है जिसके कपड़े उसने उतार लिए ताकि इन्हें उन कपड़ों से गर्मी मिल सके। और अब 24वें दिन पूरी तरह से उदास इस ठंड में लेटी हुई होती है। तभी हमें बाहर दिखाया जाता है कि सूरज निकलता है। सूरज निकलने की वजह से बर्फ पिघलने लगती है। नियोमी गाड़ी के अंदर जो कि पूरी तरह से हताश है, उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद टपकती है। वो समझ जाती है कि बाहर बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, इसलिए वो टाइम वेस्ट नहीं करती। जल्दी वो बर्फ हटाती है और अपनी बेटी को लेकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है। वो अपने पति को आखिरी अलविदा कहती है, पर शायद उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। गाड़ी से बाहर आने की कुछ देर बाद ही तूफान फिर से शुरू हो जाता है। उसके पास अब ऑप्शन है कि या तो गाड़ी के अंदर चली जाए या यहाँ से आगे बढ़ जाए। उसे पता है कि गाड़ी के अंदर मौत के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती। हालांकि उसके अंदर चलने तक की ताकत नहीं है, पर वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है और एक माँ की शक्ति से वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। पर पूरा दिन चलने के बाद भी उसे बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। उसे कुछ नहीं पता कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। और तभी वो आसमान में एक प्लेन को देखती है और जिस दिशा की ओर प्लेन जा रहा होता है वो उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। आगे रास्ता और भी कठिन होता है, पर यहाँ उसने सही फैसला लिया होता है। दरअसल ये एक शॉर्टकट था। वो देखती है कि उसके सामने एक होटल है, जिसके बाद वो किसी तरह होटल तक पहुंच जाती है। नियोमी और उसकी बेटी ओलिविया को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया और अलग अलग तरह की बहुत सारी वीकनेस होती है, जिनका ट्रीटमेंट किया जाता है और इस तरह उनकी जान बच जाती है। यहां पर एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना होता है कि नियोमी और उसकी बेटी की जिंदगी बची वो इग्लू इफेक्ट की वजह से बची है, यानी कि जमीन के अंदर जब इनकी गाड़ी थी तो वहां पर हीट थी जिससे इनकी जिंदगी बच गई, यानी कि मैथ्यू को गाड़ी में रुकने का फैसला सही था। नियोमी ने उस गाड़ी के अंदर 24 दिनों में जो जो फील किया था उसने उसके ऊपर एक किताब लिखी थी जो उसने उसके पति मैथ्यू को डेडिकेट की। और 2020 में आई है सेंटीग्रेड मूवी उसी किताब पर बेस्ड है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।